हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में। आप देख सकते हैं ये है 150 का न्यू एडिशन का न्यू कलर, जो कि ब्लैक एंड रेड का कम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, जो काफ़ी बेस्ट कलर है। आप देख सकते हैं 150 का PH6 मॉडल जो न्यू वर्जन है, ये आपको 2021 के लास्ट यानी कि 2022 में ये अपडेट आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन में। तो काफ़ी अच्छा बाइक है, काफ़ी कम्फर्टेबल बाइक आपको देखने को मिलता है, काफ़ी स्मूथ बाइक आपको देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं इसका ग्राफिक कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, साइड का लुक आप देख सकते हैं, जो काफ़ी मुझे बेस्ट लग रहा है। अभी तक में 150 के जो कलर आता था उससे कुछ अलग थोड़ा आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको पल्सर का लोगो आप देख सकते हैं, इसमें आपको रेड का कम्बिनेशन, ब्लैक का कम्बिनेशन में रेड का कम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। तो गाइस, इसमें आपको बजाज DTSI इंजन आप देख सकते हैं, और काफ़ी स्मूथ बाइक लग रहा है और काफ़ी कंफर्टेबल बाइक लग रहा है। ये आपको डबल सीट में देखने को मिलता है, और यहाँ पर ही आपको रेड एंड ब्लैक का कम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर 150 का लोगो देखने को मिलता है, और इसका यहाँ पर ही आप देख सकते हैं ग्रिप कुछ दिया हुआ है, और बाकी सब जो हैंडल है वो सेम पहले जो आता था वही सेम आपको देखने को मिलता है। मीटर का लुक भी सेम आपको देखने को मिलता है, और काफ़ी अच्छा ग्राफिक आपको देखने को मिलता है 150 मॉडल में। पल्सर 150 पीछे का बैक लाइट आप देख सकते हैं, ये भी पहले जो आता था वही सेम आपको देखने को मिलता है। और ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा स्मूथ लग रहा है देखने में, कंफर्टेबल लग रहा है। और साइड से मैं आपको लुक दिखा देता हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो इसका कम्बिनेशन का साथ में ये कम्बिनेशन आपको बहुत ही बेस्ट लग रहा है देखने में, ये आप देख सकते हैं। और इसमें आपका जो टायर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, ये आपको आगे में आपको 90x90 का टायर देखने को मिलता है, और बैक में मतलब पीछे में आपको वो 120x80 का टायर देखने को मिलता है 17 इंच का। और ये आपको MRF का टायर देखने को मिलता है पीछे में, और आगे में भी आपको MRF का टायर देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगे का जो हेडलाइट है आप देख सकते हैं, ये दो हेलोजन बल्ब है, इंडिकेटर जो है वो पहले जो आता था वही सेम आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। साइड से लुक आप देख सकते हैं 150 का, जो मुझे तो बहुत ही अच्छा कलर लग रहा है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कलर आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए इसका पावर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको 8500 RPM का पावर देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा पावर है। और टॉर्क देखने को मिलता है आपको 6500 RPM का टॉर्क देखने को मिलता है। इसका टैंक का कैपेसिटी भी बहुत काफ़ी बेस्ट है, आपको समथिंग 11 लीटर का टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छा लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत ही बेस्ट ये 150 मॉडल जो पल्सर आता है, सबसे ज़्यादा ये बिकता है बजाज शोरूम में, और काफ़ी स्मूथ बाइक है बजाज का ये, इसे सब कोई पसंद करते हैं। अभी का जनरेशन का लड़का लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप जानते हैं। तो यही आप इसका लुक देख सकते हैं, काफ़ी बेस्ट लग रहा है। बाकी और रिव्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये कलर। और जहाँ तक इसकी एक्सोरूम की प्राइस की बात करें, तो ये समथिंग आपको 1,25,000 का लगभग पड़ने वाला है एक्सोरूम की कीमत जमशेदपुर का। तो अगर आपको लेना है तो ये बजाज शोरूम में गाइस उपलब्ध है, वहाँ आके आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ही कम रेंज में ये 150 मॉडल आपको मिलने वाला है, और काफ़ी स्मूथ बाइक है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए इसका कुछ वॉक अराउंड दिखाते हैं, उसका बाद वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो कुछ